नमस्कार साथियों, मैं जीएस राजपूत एक बार फिर से आपके अपने परिवार एकलव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग समझने वाले, जैसा कि आप हमारे पीछे थंबनेल देख रहे होंगे, एएलपी की वैकेंसी आ चुकी है। जैसा आपको पता है 5696 पद यहां आए, हालांकि ज्यादा आने चाहिए थे। चलिए तो हम इसकी संपूर्ण जानकारी देते हैं। सीबीटी 1 में क्या क्या है, सीबीटी 2 में क्या है, आखिरकार पढ़ना क्या है, एएलपी के लिए क्या पढ़ना है, क्या साइको का सिलेबस होने वाला है, साइको में आता है तो क्या क्या आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने स्टेप में आते हैं, कितना आपको उसमें टाइम मिलता है, ठीक है, सारी चीजें हम बिल्कुल विधिवत समझने वाले। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, रेलवे एएलपी 2024 संपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, ठीक है। एनटीपीसी साइको, सीबीटी 1, सीबीटी 2 क्या है, इस बार जो नया सिलेबस है, सिलेबस आखिरकार है क्या, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। देखो, इसमें सीबीटी 1 भी होगा, सीबीटी 2 भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानकारी ले ले रहे हैं, आखिरकार ओवरऑल रहेगा क्या, तो असिस्टेंट लोको पायलट को बोला जाएगा। एएलपी का जो फुल सिलेबस है इसमें रहेगा क्या प्यारे साथियों, चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे और बिना देरी करते हुए सारी बात आपको समझाने का प्रयास करते हैं। रहता क्या है, चलिए देखो क्या रहता। सीबीटी 1 का जो पेपर होगा, सीबीटी 1 का जो पेपर होगा ना बच्चा, उसमें क्वेश्चन जो आपके सामने आएंगे ना, वो क्वेश्चन होंगे 75। कितने क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन इसमें होंगे। सीबीटी 1 का जो 75 नंबर का जो पेपर आएगा, 75 क्वेश्चन का जो पेपर आएगा, उसके लिए टाइम टेकिंग, यानी आपको टाइम क्या दे रहे होंगे, 60 मिनट का टाइम होगा, 60 मिनट का। यानी हमें समझ में आ रहा है कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय का दिया गया है, ठीक है। देखिए तो यहां पे हम अगर बात करते हैं, यहां पे हम बात कर यहां पे अगर हम बात करते हैं यहां पे कि जो सीबीटी 1 है इसमें 75 क्वेश्चन रहे हैं, मिनट की अगर हम बात करते हैं तो 60 मिनट का समय होगा। अच्छा देखिए, एग्जाम कैसा रहेगा, तो एग्जाम ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम यहां पे रहेगा। नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, तो वन बाई थर्ड वाली नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अच्छा, क्या सीबीटी 1 में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा साहब, नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं। अब बात करते हैं सीबीटी 2। अब देखो सीबीटी 2 जो होगा, देखो ये सारा जो आएगा ये नॉन टेक रहेगा साहब, ये नॉन टेक रहेगा। हम आपको समझाने वाले हैं कहां से कितने क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, किस किस के क्वेश्चन हमें पढ़ने होते हैं। चलिए देखो, अब जो सीबीटी 2 है, सीबीटी 2 जो होगा वो पार्ट ए और पार्ट बी, यानी दो पार्टों में बटा हुआ है। सीबीटी 2 की अगर हम बात करते हैं ना बच्चा, सीबीटी 2 की अगर हम बात करते हैं, सीबीटी 2 जो होगा ना बच्चा, वो दो पार्टों में बटा होगा। पार्ट नंबर 1 यानी ए पार्ट होगा, बी पार्ट होगा, अगर हम बात करते हैं ना बच्चा। अब सीबीटी 1 जो होगा उसमें आखिरकार क्या क्या आएगा, देखो हमने नॉर्मलाइजेशन भी समझा है, नॉर्मलाइजेशन भी यहां रहना है, नॉर्मलाइजेशन भी रहना है यहां पे। अगर हम बात करते हैं, अब देखो यहां से देखो क्या कह रहा है सीबीटी 1, सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन होगा ये सब नॉन टेक वाला होगा। देखो क्या क्या आएगा, मैथ के क्वेश्चन रहेंगे प्यारे साथियों इसमें 20 क्वेश्चन तो रहेंगे आपके मैथ्स के, और 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके रीजनिंग के, और साइंस से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो होंगे इस सीबीटी 1 के पेपर में 25 क्वेश्चन होंगे साइंस से। आपके साइंस से कितने क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन। देखो आप ये जान लो आखिरकार पढ़ना क्या है, ये क्लियर नहीं है कि भाई एएलपी का फॉर्म डाल दिए हैं और बस बोर्ड को देख लिए, जहां से ज्यादा वैकेंसी है वहीं से डाल दिए बढ़िया से, तो हमें सिलेबस ही नहीं क्लियर है, फिर कैसे होगा भाई, सिलेबस तो क्लियर होना चाहिए ना हमें, ठीक है। देखो इसमें मैथ्स के क्वेश्चन 20 होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन 20 होंगे, साइंस के क्वेश्चन आएंगे इसमें 25, और यहां से करंट अफेयर्स जो आपका आने वाला है वो 10, और 10 आपके क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आने वाले हैं। तो इस तरीके से मिला के कितना हो जाता है यहां पे, देखो 20, 40, 60, 65 और 75 क्वेश्चन जो नॉन टेक होगा, टेक्निकल कुछ भी नहीं है अभी इसमें। अब देखो अगर बात करते हैं यहां पे, जो यहां पे अब जो आप मार्क्स लेके आओगे, अब जो यहां पे जो आप मार्क्स लेके आओगे, अब आप जाओगे कहां, सीबीटी 2 के लिए। अब सीबीटी 2 के लिए कैसे जाओगे, सीबीटी 2 में भी आपको पेपर कब देने को मिलेगा, 15 गुना लड़के जाएंगे वहां। अब आप देखिए कि अगर आपका ईडब्ल्यूएस है तो आपका 40% मेरिट होना चाहिए यहां पे, ठीक है। जनरल से अगर आप हैं, ओबीसी से हैं तो 30% तो मिनिमम होना ही चाहिए, ये लिख के दिया है सबको, मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। एससी से अगर हैं तो 30% के आसपास होना चाहिए, एसटी से हैं तो 25% के आसपास होना चाहिए। जब इतना क्वालिफाई, अगर इस पेपर में आप इतना स्कोर लेके आते हैं तब आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, और सीबीटी 2 में जब आप पहुंचेंगे तो यहां आपको 15 गुना लड़के मिलेंगे। और 15 गुना लड़कों में अगर हम कहें कि 15 गुना लड़कों में अब जो साइको होगा, साइको में लगभग 8 गुना लड़के जाएंगे, यानी आप 7 गुना लड़के यहां पे खत्म होंगे,
यहाँ पे छटेंगे, और जैसे ही अगर आप देखेंगे जिस साइको में जब 8 गुने लड़के पहुंचेंगे तो साइको से जब डीवी होगा तो एक एक गुना लड़का जाएगा वहां पे बस, ठीक है, यानी 7 गुना फिर वहां पे छटेंगे। बात समझिए आप, ठीक है, साइको को भी हल्के में नहीं लेना और ना बहुत ज्यादा भारी समझना है उसको। कैसे होगा हम सब कुछ बताते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो हम अगर सीबीडी टू में अगर हम पार्ट वन की बात करें और पार्ट टू की बात करें तो देखो ये तो ट्रेड से होगा कि आप किस आईटीआई किस ट्रेड से हैं वो। अब अगर हम यहाँ पार्ट वन की बात करते हैं बच्चा, तो पार्ट वन में अगर हम देखेंगे तो आप क्वेश्चन आएंगे प्यारे साथियों, कितने क्वेश्चन रहेंगे, अब हमारे पास कितने 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन में जो नेगेटिव मार्किंग होगी वही नेगेटिव मार्किंग जो पहले से चली आ रही ना, ठीक है, 1/3 वाली नेगेटिव मार्किंग भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब देखो इसमें जो टाइम है वो 1.5 घंटे का है, यानी 90 मिनट का समय हमारे पास है। वो अगर हम सीबीटी वन में देखे थे तो यही 60 मिनट का समय था, 75 क्वेश्चन थे वहां पे बच्चा। अगर यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं पार्ट वन के अंतर्गत 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन किसके किसके रहने वाले हैं हम आपको ये भी बताने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो समय रहेगा वो 90 मिनट का समय रहेगा। अब देखिए मैथ्स के कितने क्वेश्चन आने, यहां देखो वहां 20 थे, यहां पे हो गए 25। अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे अगर आप देखेंगे कि रीजनिंग से जो क्वेश्चन आने हैं वो 25 रहने, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह जो रहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, अब देखो बेसिक साइंस से यहां से उस तरफ भी 25 क्वेश्चन थे और इस तरफ भी आपको जो साइंस देखेंगे उसमें 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जो ड्राइंग वाले क्वेश्चन आ जाएंगे वो आ जाएंगे अब यहाँ पे 15, यानी 40 नंबर का क्वेश्चन ये बढ़ने वाला है। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो कितने कितने हो रहे हैं, 25 और यहाँ पे देख रहे हो आप 25 तो कितना हो गया 50, ठीक है, और ये कितने हो गए भाई 50 और 40, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप 90 हो गए हैं, और यहीं से फिर आपको देखने के लिए मिलेगा वो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन 10 नंबर वाला, तो यानी कुल मिला के 100 क्वेश्चन यहां से आपके आने वाले। अब जो सीबीटी 2 के अंतर्गत पार्ट 1 हुआ, अब देखो यहां पे क्या कह रहे हैं पार्ट 2। अब पार्ट 2 में क्या आएगा भाई, पार्ट 2 में क्या आएगा, पार्ट 2 में वो आएगा जो आपका ट्रेड है, जो आपका ट्रेड है यानी आईटीआई आप किससे किए हैं पार्ट 2। अब देखो पार्ट 2 में ट्रेड क्वेश्चन आएंगे, अब ये क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं 75 क्वेश्चन होंगे। अब यहां पे इससे कोई मेरिट नहीं बननी है, यहां से बात समझिए मेरिट तो आपकी कहां से बनेगी, साइको से, साइको का 30% लेंगे और सीबीटी 2 में जो पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 में जो वो आ गया उसका 70% लेंगे, यानी पार्ट 1 में आपको बहुत अच्छे से करने की जिम्मेदारी। देखो आप मैथ्स पढ़ेंगे वो पार्ट सीबीटी 1 के लिए भी होगा, मैथ्स सीबीटी 2 के लिए भी होगा, आप रीजनिंग पढ़ेंगे वो सीबीटी 1 के लिए भी होगा, वो सीबीटी 2 के लिए भी रहेगा, आप साइंस पढ़ेंगे वो सीबीटी 1 के भी लिए रहेगा और सीबीटी 2 के फर्स्ट पार्ट के लिए भी रहेगा, ठीक है ना बच्चा। देखो आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करते हैं ट्रेड क्वेश्चन जो आएगा उसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का समय होगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स यहां से चाहिए, कोई मेरिट एरर नहीं बढ़नी है यहां से, मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको 35% चाहिए। अगर आपने ये 35% यहां पाए तभी ये कॉपी चेक होगी, अगर आपका ये नहीं है तो ये कॉपी चेक ही नहीं होगी, बात खत्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपने इसमें क्वालिफाई नहीं किया, इसमें कितना अच्छा लेके आए तो बात खत्म हो जा रही है। अगर यहां आपने 35% ही आपको लेके आना है, बस उतना यहाँ पे आ गया, ठीक है, उसके बाद आप फिर यहाँ आपकी कॉपी चेक होगी। देखो अगर हम बात करते हैं, देखो अब जो साइको के लिए यहां से क्वालिफाई होते हैं, अब देखो साइको के लिए जब पहुंचेंगे, यहाँ 15 गुना लड़के थे, यहाँ 8 गुना लड़के पहुंचेंगे, यानी 7 गुना छट गया है यहीं पे, ठीक है। अब देख रहा हूं आप साइको के लिए 7 गुना लड़का पहुंचेगा। अब बात आती है कि साइको किस तरीके से होगा, तो साइको जो आप देखते हैं, साइको को जो स्टॉप होते हैं स्टेप, यानी अगर देखें तो वो 6 स्टेप में होता है साइको। फर्स्ट देख रहे हैं आप यहां पे इंटेलिजेंस टेस्ट, फर्स्ट वाला जो टेस्ट होगा वो इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, यानी आपको अगर देखेंगे इसमें करना क्या होगा, देखना ध्यान से, देखो 6 स्टेप में होगा, 5 स्टेप में तो आपको पेपर देना पड़ेगा इसमें, और जो एक जो अगला स्टेप आता है 5-6 मिनट का रहता है, उसमें कुछ नहीं फीडबैक वाला सब आता है, ठीक है। देखो यहां आपको क्या करना पड़ेगा, यहां आपको विषम छांटना है, विषम। अब आप देख रहे हैं इसमें से, देखो आपको सबसे पहले होगा क्या, जैसे ये खुलेगा, जैसे आप ये देखेंगे तो आपको सबसे पहले तो जो इंस्ट्रक्शन दिए होंगे उनको पढ़ने के लिए 5 मिनट दिया जाएगा, 5 मिनट आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें छांटना क्या है, तो इसमें छांटना है विषम, विषम सबसे विषम कौन सा है, तो आप विषम देख लेंगे। देखो नॉर्मल देखते ही साथ समझ जा रहे हैं ये विषम है, इसमें भी देखते ही साथ देखो ये समझ जा रहे हैं विषम है, बिल्कुल तुरंत के तुरंत समझ जा रहे हैं विषम है, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी आपको देख लेना है कि विषम कौन सा है, ठीक है, ये दाएं बाएं से मिला लेंगे तीर के हिसाब से ये चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो तो अब हमें ये विषम देख लेना है। अब देखो इसमें क्या होगा, जो क्वेश्चन होंगे आपके, क्वेश्चन वो देंगे आपको 35, ध्यान देना,
क्वेश्चन आएंगे इसमें आपके 35 क्वेश्चन आएंगे इसमें 35 और आपको जो समय दिया जाएगा जो इंस्ट्रक्शन वगैरह होंगे उनको पढ़ने के लिए 5 मिनट और उसके बाद जो टेस्ट के लिए जो 35 क्वेश्चन आएंगे उसके लिए दिया जाएगा आपको 10 मिनट बहुत है 10 मिनट बहुत स्पीड में कर लेंगे बहुत स्पीड में ठीक है। लगभग 10-15 दिन की प्रैक्टिस होती है लेकिन आप जब से तैयारी करेंगे साइको को तुरंत देखने लगेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते क्या है बहुत अच्छे से कर लेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत हल्के में भी आप नहीं ले सकते ठीक है बहुत हल्के में भी आप नहीं ले सकते। अब इसमें जो सेकंड स्टेप आता है वो क्या है देखो यहाँ पे सिलेक्टिव अटेंडेंस टेस्ट जी क्या है भैया सिलेक्टिव अटेंडेंस टेस्ट जी इसमें क्या दे रहा है अटेंशन टेस्ट में देखिएगा ये देखो क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन आएंगे कितने 30 क्वेश्चन आएंगे। अब ध्यान देना देखो इसमें भी जो इंस्ट्रक्शन होंगे उसके पढ़ने के लिए वो 5 मिनट का समय देगा। अब हमें 5 मिनट का क्या हमें इसमें देखेंगे देखो इसमें क्या कह रहा है कि हमें बता देगा इंस्ट्रक्शन कि विषम संख्या को जोड़कर हमें लिख देना तो जितनी भी विषम संख्या इस लाइन में दी है सबको जोड़ के टिक करना है। अब इसमें भी देखो कि क्वेश्चन आएंगे 30 ठीक जो इंस्ट्रक्शन पढ़ने का समय होगा वो होगा 5 मिनट और वहीं पे फिर हमें जो टेस्ट के लिए जो क्वेश्चन 30 आएंगे इस तरीके के उनके लिए जो समय देगा वो हमें देगा 8 मिनट का समय। कितने मिनट का समय रहेगा प्यारे साथियों 8 मिनट का समय रहेगा। अब जो दूसरा स्टेप हो गया इसी तरीके से अब तीसरा स्टेप आएगा देखो आप ये देख रहे हैं ठीक है। अब देखो इस तरीके के जो तीसरे नंबर का स्टेप आया है इसमें आपका क्या रहेगा इसमें 40 क्वेश्चन देंगे हम 40 क्वेश्चन देंगे और देखो यहाँ पे अब देखो क्वेश्चन को करने का तरीका बता दें यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर बन दिया है यहाँ पे क्या दे रहे हैं देखो यहाँ पे दे रहे हैं ए से डब्ल्यू तक। अब देखो जी जो यहाँ पे सर्कल बना हुआ है वो अवरोध है रास्ता रोकता है ए है अब ये है ए से डब्ल्यू तक का जो रास्ता है बस वहां पे दिया हुआ। देखो इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए भी हमें 5 मिनट का समय दिया होगा साथियों 5 मिनट का समय भी हमें यहाँ इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए दे रहा होगा और जो इस तरीके के जो क्वेश्चन करने हैं जो 40 क्वेश्चन आएंगे उसके लिए हमें वो कितना 8 मिनट का समय देगा। ध्यान देना देखो ए से डब्ल्यू तक का रास्ता तय करना है तो ए से अब देखो इस तरफ अवरोध है हम जाएंगे नहीं डायरेक्ट जाएंगे क्योंकि इस तरफ भी नहीं जाएंगे डब्ल्यू कहां दिख रहा हमें ये दिख रहा। अब यहां से हम इस तरीके से यहां जाएंगे फिर यहां आएंगे यहां जा नहीं सकते इस तरीके से ये रास्ता तय हो गया। तो इस तरीके से जो तीसरा स्टेप होगा वो इस तरीके से 8 मिनट का आएगा। अब इसमें जो चौथे नंबर का स्टेप होगा वो इस तरीके से होगा इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट होगा। इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में क्या आएगा भैया इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे और हमें इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए जो समय दे रहा होगा ना ठीक है जो इन्फॉर्मेशन जो दी होगी बिल्कुल बाकायदा बिल्कुल उनको हमें पढ़ने के लिए समय देगा वो 10 मिनट देगा और पेपर का जो समय होगा टेस्ट अच्छा जितने भी 5 स्टेप में जो साइको होगा इन सारे स्टेप में जैसे एक स्टेप पूरा हो गया यानी आपने क्वेश्चन पूरे कर लिए एक स्टेप के तो दूसरा जब स्टेप खुलेगा तो आपको बाकायदा रिलैक्स होने के लिए 1 मिनट का ब्रेक मिलेगा सबके बीच में पहले से दूसरे के में आएंगे तो 1 मिनट का समय मिलेगा वहां पे। जब हम दूसरे से फिर तीसरे वाले में आएंगे तो फिर 1 मिनट का समय वहां मिलेगा तीसरे से फिर हम चौथे वाले में आएंगे तो फिर हमें 1 मिनट का समय मिलेगा सब में 1-1 मिनट का समय ब्रेक वाला समय रहेगा जिसमें आप रिलैक्स अपने आप को फील कर लें और अगले वाले के लिए जल्दी से प्रिपेयर हो जाएं। तो देखो इसमें भी हमें क्या कह रहा ठीक है इसमें भी देखो हमसे क्या कह रहा देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं देखो ये दी है आकृति ये दे रहा है ये ओ अब ओ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कितना नंबर आ रहा है इसका देखो ओ के हिसाब से देखेंगे तो इसका कितना नंबर आ रहा 6 नंबर आ रहा 6 नंबर के हिसाब से। अब आकृति में हमें भरना है तो आकृति में हम कैसे भरेंगे देखो यहां पे ये 6 नंबर है तो इस ओ का इसका तो हम 6 नंबर ही मानेंगे ए भरना है तो इसका क्रॉस यहां देख लेंगे लेबल 1 ठीक है क्या दे रहा है यहाँ पे उसका +1 दे रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7 ठीक है। अब देखो आगे क्या दे रहा दूसरे स्टेप में आएंगे तो -2 यहाँ पे भरेंगे फिर 5 अगले स्टेप में फिर हमें जाना है अगले स्टेप में जब हम जाएंगे तीसरे वाले में तो 5+3 यहाँ हो जाएंगे 8 इस तरीके से हमें आगे करते जाना है इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सब एकदम खाली सा डाला हुआ है खाली कुछ भी नहीं है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 6 को फिर हम अगले स्टेप में आएंगे तो अगले स्टेप में तीसरे वाले स्टेप में हम यहाँ से देखेंगे दूसरे नंबर के स्टेप में जो आया बी में ठीक है। देखो यहाँ पे हमें कितना लिखना है यहाँ पे 6 लिखना है 6 बिल्कुल खाली वाले में तो 6 लिखेंगे हम कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले स्टेप में देखेंगे तो अब जो -3 है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे क्योंकि 6-3 गया फिर अगले स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पे -1 है 3 में से इतना गया तो 2 बचे इस तरीके से हम इसको भरते हुए जाएंगे जो इंस्ट्रक्शन दिए रहते उसके लिए 10 मिनट का समय बाकायदा दिया होगा और 10 मिनट में फिर हमें ये करने पड़ेंगे। तो अगर हम अगला स्टेप देखते हैं इसमें अगला स्टेप जो यहाँ आता है और ये शायद 4 नंबर का स्टेप होगा यहाँ पे ठीक है सॉरी 5 नंबर का स्टेप यहाँ पे रहता है ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं परपोशनलिटी ये टेस्ट होता है इसके अंतर्गत क्या दे रहे हैं
देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देते हैं हमें कितने 35, और इसमें भी हमें जो इंस्ट्रक्शन वगैरह रूल होते हैं उनको पढ़ने के लिए हमें समय देते कितना 5 मिनट। और फिर अब जो पेपर का समय होता है, वो पेपर का समय होता है, यहाँ पे टेस्ट का समय होता 12 मिनट। अब 12 मिनट में क्या करना होता, देखो यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, ये सारा कुछ इसके अंतर्गत आता है कि ये चीजें सही है या नहीं है, मैं गलत कार्य में संलिप्त रहना पसंद करता हूं, ठीक है, कभी नहीं। तो इसके लिए पहले इंस्ट्रक्शन वगैरह देंगे, फिर ये आराम से आपके पास आता है। इसके ये पांचवा नंबर का स्टेप होता। अब इसके बाद आता है कौन सा, फीडबैक वाला। फीडबैक वाला, फीडबैक वाले में आपके पास क्वेश्चन आते हैं कितने 14 मिनट होते हैं आपके पास 6। अब आपको उसमें फीडबैक देना होता है, ज्यादा कुछ नहीं। अब अगर हम साइको की टोटल क्वेश्चनों की बात कर लें, साइको में जो टोटल क्वेश्चन आते हैं, टोटल क्वेश्चन रहते हैं वहां लगभग 165, और जो आपको यहां पर टाइम दिया जाता है वो 88 मिनट का टाइम पूरा हो जाता है टाइम ब्रेकिंग के साथ में, लगभग 460 नंबर के आसपास का ये होता है साइको। अब देखो हमने साइको दे लिया, साइको में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब ये साइको का हो गया, अब साइको पहले, अब देखो यहां से अब जो मेरिट लिस्ट बनेगी, अब जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो अब किस आधार पे बनेगी, देखो यहां पे फाइनल मेरिट लिस्ट। अब फाइनल मेरिट लिस्ट में यानी आप डीबी के लिए जाओगे तब भी वहां पे ज्यादा लड़के बुलाते हैं, 1 गुना लड़के अब वहां पे पहुंचेंगे, यानी 7 गुना लड़के यहीं छटेंगे, 8 गुना लड़के थे साइको में, ठीक है। फाइनल मेरिट में सीबीटी टू का पार्ट वन का 70% लेंगे, सीबीटी टू का पार्ट वन का 70% लेंगे, और जो साइको का था उसका 30% लेंगे। अब बनेगी भैया फाइनल मेरिट, फिर आप जाएंगे कहां भाई, आप बन जाएंगे फिर ALP, यानी फिर डीबी वगैरह होगा, उसके बाद फिर सब कुछ एकदम बढ़िया सा होगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप समझ गए हैं कि हमें कितना कहाँ कैसा पढ़ना है बच्चा, ठीक है। आपका और भी कोई कमेंट, कोई आपकी क्वेरी होती तो आप कमेंट सेशन में बिल्कुल दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को प्यार करिए, प्यार दीजिए सभी लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।